नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। जयपुर राजस्थान का वो खूबसूरत शहर है जिसे पिंक सिटी या गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। उससे दिलचस्प बात यह है कि घूमने के साथ साथ आपको यहाँ के लोग भी बेहतरीन मिल जाते हैं, जो आपको परकोटे के किस्से कहानी भी सुनाते हैं और वहाँ के घूमने की जगहों की एक लिस्ट भी दे देते हैं, जिससे आपकी यात्रा जबरदस्त हो जाती है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यहाँ घूमने की ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ आपको भारतीय संस्कृति और धरोहर की झलक साफ दिखाई देती है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसी ही बेस्ट जगहों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आमेर के किले के बारे में। आमेर का किला जयपुर की एंट्री करते ही आपको दिख जाता है। जयपुर शहर से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमेर किला गुलाबी और पीले बलुआ पत्थरों से मिलकर के बना है। अब बात करते हैं सिटी पैलेस के बारे में। जयपुर सिटी पैलेस को 1729 से 1732 के बीच महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। खूबसूरती के साथ बने इस महल को कई अन्य महलों जैसे चंद्र महल और मुबारक महल के साथ बनाया गया था, जिसमें आंगन इमारतों सहित काफी खूबसूरत नक्काशी की गई। अब बात करते हैं गलताजी मंदिर के बारे में। गलताजी मंदिर एक हिंदू तीर्थ स्थल है। गलताजी मंदिर खूबसूरत पहाड़ियों में बसा हुआ है, जिसे देखने के लिए हर साल पर्यटकों की भीड़ जमा रहती है। इस मंदिर में आपको कई पवित्र मंदिर, पवित्र कुंड, मंडप और प्राकृतिक झरने देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हवा महल के बारे में। हवा महल की वास्तुकला, इतिहास, डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। लोगों को यहाँ की राजपुताना और इस्लामी मुगल वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। हवा महल का अनूठा आकर्षण इसकी 953 खिड़कियां हैं जो फीता जैसी दीवारों को कवर करती हैं। हवा महल के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि पूरी इमारत बिना किसी ठोस नींव के रखी गई है। अब बात करते हैं नाहरगढ़ किला के बारे में। जयपुर शहर का प्रसिद्ध किला जो लोगों के बीच काफी फेमस है, इसकी खूबसूरती रात में बेहद निखरती है। यहाँ का सिर्फ नजारा ही खूबसूरत नहीं बल्कि किले में स्थित रेस्टोरेंट्स और वैक्स म्यूजियम भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। अब बात करते हैं महारानी की छतरी के बारे में। महारानी की छतरी एक तरह से जयपुर की शाही महिलाओं या महारानियों की अंतिम संस्कार वाली जगह है। ये अपने शानदार स्मारक के लिए मशहूर है, जिसे शाही परिवार की महिलाओं की याद में बनाया गया है। और अब बात करते हैं चांद बावड़ी के बारे में। चांद बावड़ी बेहद सुंदर पर्यटक स्थल है, जहां आपको राजस्थानी वास्तुकला के 10वीं शताब्दी के स्मारक देखने को मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि चांद बावड़ी को 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में निकुंभ राजपूत राजा चंद के संरक्षण में बनवाया गया था। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके इसको जरूर बताएं, और अगर आपको कोई जगह घूमनी है जो हम आपको लेके जा सकते हैं तो हमें जरूर से बताएं। नमस्कार।